अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कुनाफा बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये एक मिडिल ईस्टर्न डिजर्ट है जो सबको बहुत पसंद आती है। तो कुनाफा खासकर ईद पे बनता है, तो आप ईद के दिन बनाइएगा, इसके दूसरे दिन बनाइएगा, तीसरे दिन बनाइएगा। ये टेस्टी और मज़ेदार डिजर्ट है, तो ज़रूर बनाइएगा। तो सबसे पहले कुनाफा बनाने के लिए हमने यहाँ वेसल रख लिया है और फ्लेम को जो है ऑन नहीं करेंगे। एक कप हम इसमें दूध डाल देंगे और इसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून शक्कर और इसमें डाल देंगे हम 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अभी फ्लेम को ऑन नहीं करेंगे, पहले हम इसको मिक्स करेंगे। जब मिक्स कर लेंगे फिर फ्लेम को ऑन करेंगे। इसको पहले ही मिक्स कर लेना होता है क्योंकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। अब हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है और मीडियम आंच पे इसको हम चलाते रहेंगे। शक्कर हमने इसमें 2 टेबल स्पून डाली है। क्रीम की मिठाई जो है कम होती है, क्रीम कम मीठी होती है, और आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप अपने हिसाब से मीठा रख सकते हैं। इसको हमको चलाते रहना है, हाथ को नहीं रोकना है, कोई लम्स ना पड़े। 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको चलाते रहेंगे। ये जब थिक होने लगेगा फिर फ्लेम को हम ऑफ करेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसको कंटिन्यू चलाया है और ये देखिए कॉर्नफ्लावर का कच्चापन जो है ख़त्म हो गया है। और इसी तरह की हमको गाढ़ी चाहिए थी, ये देखिए। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 स्पून वनीला एसेंस इसमें। अब हम यहाँ पर डालेंगे ये 4 क्यूब हैं चीज़ की, ये हम इसमें डाल देंगे। और आपके पास अगर चीज़ नहीं है, आसानी से नहीं मिल रही है, तो आप इसमें दूध की जमी हुई मलाई भी डाल सकते हैं। और इसको हम मीडियम आंच पे रखेंगे और चलाते रहेंगे, दोनों चीज़ को मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ये चीज़ हमारी जो है मेल्ट हो गई है। हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसको चलाया है, ये मेल्ट हो चुकी है और क्रीम हमारी अब तैयार है। यहाँ पर फ्लेम को हम ऑफ करते हैं और चलते हैं हम दूसरी प्रोसेस की तरफ। अब हम यहाँ पे एक वेसल रख दिए हैं और इसमें हम डालेंगे शुगर सिरप बनाने के लिए 1/2 कप पानी और इसमें डाल देंगे हम 1/2 कप ये शक्कर। हाई फ्लेम पे कर देंगे, ये जो शक्कर है मेल्ट हो जाएगी। हाई फ्लेम पे कर दिया था, शक्कर हमारी मेल्ट हो चुकी है। और इस पॉइंट पर हम डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून नींबू का रस। नींबू का रस इसलिए डाला गया कि ताकि ये जो चाशनी है ठंडा होने के बाद जम ना जाए, सेट ना हो जाए। इसको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच पे कर दिया है, ये पक जाए। और इसमें अब हम इस पॉइंट पे डाल देंगे 1 टीस्पून रोज़ वाटर। यहाँ पे आप कोड़ा वाटर भी डाल सकते हैं और इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 से 3 मिनट हो गया है, शुगर सिरप जो है हमारा ये बन के तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और चलेंगे दूसरे प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे हमने जो है सेवैयाँ लिए हैं 250 ग्राम और इनको हम हाथों से क्रश कर लेंगे। और आज हम कुनाफा जो है बनाएंगे इन्हीं सेवैयों से। कुनाफा बनाने के लिए जो कुनाफे का डो होता है वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, तो आज हम कुनाफा जो है सेवैयों से ही बनाएंगे। तो ये देखिए हमने अपने हाथों से इनको क्रश कर लिया है। और अब हमने यहाँ पे लिया है अवन में जो है हमने ये मेल्ट कर लिया है बटर। यहाँ पे आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो सॉल्टेड हो या अनसॉल्टेड हो, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ये ऑरेंज फूड कलर, ये 1/2 टीस्पून से भी कम है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डालूँगी। यहाँ पे हमने जो फूड कलर लिया है ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, अगर डालना चाहें तो डालिएगा, नहीं डालना चाह रहे हैं तो स्किप कर दीजिएगा। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लिए हैं और हम इसमें डाल के हाथों से अपने इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सेवैयों को अच्छे से अपने दोनों हाथों से मिला लिया है, मिक्स हो गया है जो बटर था और फूड कलर जो डाला था। हमने यहाँ पे ये पैन ले लिया है, नॉन स्टिक पैन है, थोड़ा
मोटा लीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम ग्रीस कर लेंगे घी या बटर जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ज़्यादा से अमाउंट में ग्रीस करिएगा। ग्रीस हो गया है और अब हम यहाँ पे जो है आधी सेवइयाँ इसमें डाल देंगे इस तरह से। एक ही हमने कप ले लिया है और इससे इस तरह हम इसको सेट कर देंगे अच्छे से। ये देखिए अच्छी तरह इसको हमने सेट कर दिया है, और इस पे जो हमने क्रीम बनाई थी अब वो हम क्रीम को स्प्रेड कर देंगे इस तरह, किनारे से नहीं डालेंगे ताकि जो क्रीम है वो बाहर ना निकले। इस तरह हम थोड़ा सा छोड़ के जो है सेट करेंगे क्रीम को। ये देखिए हमने क्रीम भी यहाँ पे डाल दिया है पूरी, और यहाँ पे हम डालेंगे अब जो हमने सेवइयाँ रख ली थी, सेवइयों को डालना है हमको इस तरह से। अब यहाँ पे दूसरा पैन हमने ले लिया है और इसको भी उसी तरीके से हम ग्रीस करके तैयार रखेंगे। फिर कुनाफे को जो है मीडियम आंच पे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। पैन को रख दिया है हमने, कुनाफे को हम 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाएंगे। अब ये 2 मिनट यहाँ हो चुके हैं और अब हम रखेंगे इस पे हैवी बॉटम तवा, क्योंकि कुनाफा जो है नीचे से जले ना। आपके पास जाली हो तो जाली रख सकते हैं, तवा है तो तवा रख दीजिए, या पैन है तो पैन रख दीजिएगा, कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब इसको जो है 10 मिनट तक पकाएंगे। कुनाफे को हमारे 10 मिनट हो गया है पकते हुए। अब हम इसको ये जो हमने ग्रीस करके रखा हुआ था पैन, और ये पैन ले लेंगे अब, और इसको इस पे रख के ऐसे पलटेंगे बहुत एहतियात के साथ आराम से। हमने कुनाफे को जो है पलट लिया है, और ये माशाल्लाह हमारा कुनाफा जो है बहुत अच्छा बेक हो गया है नीचे से, ये देखिए। और इसको थोड़ा हम सेंटर में और कर देंगे। तो इस पैन को भी हमने तवे पे ही रखा है और इसको भी 10 मिनट के लिए हम बेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा कुनाफा जो है हमने पलट लिया है एहतियात के साथ, और कितना अच्छा कलर आया है माशाल्लाह। और इसको भी अब ये देखिए, इस पैन को भी हमने तवे पे ही रखा है बेक होने के लिए 10 मिनट के लिए। हम इसको भी बेक करेंगे दूसरी साइड को। तो ये देखिए दूसरी तरफ भी हमारा कुनाफा एकदम तैयार है, और इसको हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद हम अपनी चाशनी जो बनाए थे चाशनी को पोर कर देंगे इसके ऊपर। तो ये देखिए हम अपना कुनाफा अब यहाँ पे शिफ्ट किए हैं, और इसमें जो हमने चाशनी बना के रखी हुई थी अब हम इसी में पोर कर देंगे। और चाशनी जब पोर करें तो थोड़ा सा इसको गर्म कर लें, और चाशनी जो हम डाल देंगे थोड़ी सी चाशनी बचा लेंगे जब हम इसको सर्व करेंगे कुनाफे को, तो उसी के साथ इसको भी सर्व करेंगे चाशनी को भी, ताकि किसी को एक्स्ट्रा खाना हो तो ले सके। ये देखिए चाशनी हमने पोर कर दी है। ये हमने यहाँ पे पिस्ता ले लिया है, हमने इसको पाउडर बना लिया है मिक्सी के जार में डाल के फाइन ग्राइंड कर लिया था, और अब हम इसको यहाँ पे गार्निश कर देंगे अपने कुनाफे में। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।